ग्रेनेड देखने में नीचे एक्सो की टीम के लिए मुश्किल पड़ेगी। 3-2-1 बूम काम नहीं हुआ, एक और ग्रेनेड करना पड़ेगा वहां पर। एक्विनॉक्स को भी स्पॉट कर लिया जाता है, इनिशियल कनेक्शन 3-2-1 एंड नॉक डाउन। टीएसएम एक्विनॉक्स इज ऑन हिज नीज बट एट द सेम टाइम क्लच गॉड यू माइट कम अप विद दोस ग्रेनेड्स। आ गई पूरी टीम, पूरी फौज आ गई, पूरी टोली आ गई, मार दिया यहां पर रस। देखना चाहूंगा कौन कौन यहां पर डाउन हो सकता है। इमोर्टल को सबसे पहले नॉक कर दिया जाता है, नियो भी A4 के साथ डाउन हो जाएगी। डैमेज आया, किसी ने तो डैमेज किया यहां पर उस ग्रेनेड से। जॉनी ने एक नॉक निकाला, शायद के अंदर बैठता इतना ज्यादा रिस्की होने वाला है, ये शायद इस नेट के बाद पता चल सकता है। बट आई एम वेटिंग कि कितने प्लेयर्स डाउन हुए हैं। मेरे हिसाब से तो टीम एक्सासिनेट हो चुकी है और गॉडलाइक ने एक भी प्लेयर नहीं गवाया। ये एक अच्छी थिंकिंग रही इस फाइट की कि कोई भी कैजुअलिटी यहां पर नहीं खाई है टीम एक्सो। काफी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जी नहीं, स्मोक वगैरह क्रिएट कर रहे थे, अपने साथी खिलाड़ी को यहाँ पर रिवाइवल देने की कोशिश वहां पर कर रही थी। बट फाइनली वहां पर जो जीत है वो जाती हुई नजर आई टीम गॉडलाइक के फेवर में। और एक जो खिलाड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता था वो था टीएसएम के एक्विनॉक्स, जिनको यहाँ पर खेल दिया गया है गेम से बाहर, शायद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन ये चीज सोल रॉक्स एंड वाइपर का ज़ीगोर्ड के ओह माय गॉड, टीएसएम के प्लेयर्स ने डैमेज सारा दिया था। ज़ीगोर्ड वहां से दो फिनिशेस चुरा के चले गए हैं, वो सारे फिनिशेस जो है वो गॉडलाइक के पास चले गए।